उरी अटैक के बारे में आप सभी ने सुना होगा और इस पर एक फिल्म बनी है उरी, जिसमें मोहित रैना है जो हमारे साथ है E24 के साथ। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मोहित, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि जो ये फिल्म बनी है उरी, इसके बारे में आप कितना जानते थे पहले से, इसका मतलब जो उरी अटैक हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से, इसके बारे में आपने कहीं पेपर में पढ़ा या इसके बारे में आप कहीं से जानते हो पहले से? आई थिंक एंड ऑफ 2017 में तो पूरा नेशन ही, जब उरी अटैक हुआ था, आई गेस इन द वी आर्स ऑफ द मॉर्निंग जब हुआ था तो न्यूज़ फैल चुकी थी एंड आई गेस एवरीबडी द एंटायर नेशन वॉज अवेयर ऑफ इट। ऑब्वियसली वी वोंट अवेयर ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक्स, व्हेन डिड दे हैपन एंड व्हेन, दैट्स दैट वाजंट व्हिच वाज पब्लिकली डिस्क्लोज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली सबको मालूम था उरी अटैक के बारे में, सो ये तो कुछ छुपा नहीं है, तो ग्लोबली अभी एक्सेप्टेड इवेंट है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ। सो या अगर हम देशभक्ति की बात करें, एक कंट्री से अटैचमेंट हो, इस तरीके की जब मूवी करनी होती है क्या फीलिंग होती है और क्या प्रिपरेशन करनी होती है मेंटली फिजिकली, किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है अपने कैरेक्टर के लिए? वेल आई गेस जैसे मैंने अभी मैं सोच रहा था कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी होना नहीं चाहिए दोबारा, बट अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट हुआ और उसके ऊपर ये कहानी बनी। सो ऐसा इवेंट सदियों में एक बार होता है, अभी हमारे सामने हमारे जनरेशन के दौरान हुआ है अनफॉर्चुनेटली। सो वी हैव द स्क्रिप्ट, वी हैव द इवेंट दैट हैड हैपेंड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर नेशन। सो जब ऐसे इवेंट पे कहानी बनती है, इतने बड़े स्केल पे बनती है, रोनी शुक्ला वाला पिक्चर्स RSVP मूवी प्रोडक्शंस इसे बनाता है और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है उसमें, इन सब दिग्गज लोगों के साथ काम करने का मौका मिलना अपने आप में ही बहुत कमाल का है। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी पार्ट ऑफ सच अ बिग प्रोजेक्ट वेयर दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट, इट इज़ समथिंग दैट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट बिकॉज दिस इज द इवेंट दैट पीपल विल टॉक अबाउट फॉर एवर। सो ऐसे किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना एक बहुत ही खुशनसीबी और बहुत ही रिस्पेक्ट और अच्छी बात होती है। जी, मैं तो आपसे जानना चाहेंगे जो आपका किरदार है इस फिल्म में, इस कह सकते एक सच्ची घटना है, सर पहले उरी अटैक हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक 10 दिन बाद, फिर उसके बाद लोगों को पता चल रहा है इस बारे में, इस जो फिल्म के लिए आपका किरदार है वो क्या है और किस तरीके से तैयारी की आपने उसके लिए? जी, मेरा जो इसमें किरदार है स्पेशल फोर्सेज का है, आई प्ले अ प्रोफेशनल स्पेशल फोर्सेज कमांडेंट, आई प्ले अ स्नाइपर एंड इसकी तैयारी के लिए हम सबको हम लोगों ने तकरीबन 3-4 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग की थी पूरी टीम ने मिलके, द एंटायर टीम ऑफ 30 पीपल, वी डिड अ इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग अंडर गाइडेंस अंडर सुपरविजन सीनियर्स की, जो रियल लाइफ स्पेशल फोर्सेस थे रिटायर्ड एज वेल एज इन सर्विस, उनके साथ हमने 3-4 महीने प्रैक्टिस की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंड फिजिकल अप्रोच के लिए, एंड एट द सेम टाइम हाउ टू गेट इन टू द कैरेक्टर, द एंटायर टीम डिड द वर्कशॉप विद मिस्टर अतुल मुंगिया जिन्होंने पूरी प्रोजेक्ट को ओवरऑल हैंडल किया है। सो या ये सब प्रिपरेशन गई हैं इसमें जो बहुत ही 3-4 महीने तक चली। आई रिमेंबर अर्ली मॉर्निंग हम लोग नेवी नगर जाया करते थे 5 बजे सुबह, बिकॉज आर्मी वहाँ पर नेवी का बेस है, सो वी यूज टू गो देयर टू प्रैक्टिस। So we all of us, this was a process that we all had to go through so that we could just bond on screen and at the same time we could all look good and we all could be part of, we could look like a team. So uske liye we had to spend some good amount of time. So we did that for 3 months. Cameraman Rajendra ke saath Jyoti Sharma, E24, Mumbai.